बजट पेश हुआ, बजट से बड़ी निराशा हुई। जो आशा की जा रही थी कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्रगति होगी, उन्नति होगी, देश आगे बढ़ेगा, जनता को सुविधा मिलेगी, लेकिन बजट को देखकर प्रतीत होता है कि बजट तो पूंजीपतियों को खुश करने के लिए और जो भी धरोहर भारत की है, जो संपत्ति है, जो रेलवे है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो एयरपोर्ट है और जो जो चीज़ें बेचने की जो प्लानिंग की जा रही है, तो ये तो प्रतीत हो गया है आज के बजट से कि केवल ये पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए है, जनता के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत निराशजनक बजट है और कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं दी है। इससे प्रतीत होता है कि ये वर्तमान सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, ये केवल अडानी और रिलायंस अंबानी की ये सरकार है और उन्हीं के फायदे को पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रही है। ये बहुत निराशजनक बजट है।